नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। विधानसभा चुनाव 2018 के लिए यूं तो 28 तारीख की तिथि निर्धारित है, लेकिन कर्मचारियों के लिए डाक मतदान की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बीजापुर विधानसभा क्रमांक 52 में एसडीओपी राकेश पेंद्रो ने पहले डाक मत डालकर पहला डाक मतदान किया। तहसील परिसर से लगभग 950 कर्मचारियों को डाक मत पत्र दिए गए हैं, जिसकी प्रक्रिया लगातार चलती रही। चुनाव की तैयारियां चल रही हैं, जिसमें सरकारी अधिकारी एवं कर्मचारी सब चुनाव के दिन व्यस्त रहेंगे। इसी कारण से जो है डाक मत पत्र की व्यवस्था की गई। सरकारी कर्मचारी अधिकारी वो पहले से जो डाक मत उसका अधिकार का उपयोग कर रहे हैं, ताकि चुनाव के दिन वो अपनी ड्यूटी में व्यस्त रहें। इसमें आज हम लोग 21 तारीख से बिजावर विधानसभा के अंतर्गत डाक मत पत्र सुविधा केंद्र का शुभारम्भ किए हैं। हमारे यहाँ कुल जो है लगभग 950 के फार्म आ चुके हैं, जो रजिस्टर्ड किए गए हैं, जिनके पत्रता की भी अभी जांच भी चल रही है। डाक मत पत्र बनाए जा रहे हैं। आज जो है करीब यहाँ पे 4 मत अभी पड़ चुके हैं शुभारंभ के तौर, और इसके बाद यह अभी अनवरत चलता है। खबर दिनभर में इस बुलेटिन में फिलहाल। त्योहारों के सीजन में अपनी खरीदारी को बनाइए और भी अधिक किफायती और उपहारों से भरी हुई। संदेश इन्फोकॉम एवं इलेक्ट्रॉनिक्स लेकर आए हैं आपके लिए त्योहारों के इस मौसम में उपहारों की सौगात। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम खरीदिए और साथ में पाइए 2,000 रुपए तक का गिफ्ट स्क्रैच कार्ड। हमारे यहाँ सभी ब्रांडेड कंपनी के मोबाइल, डाइकिन एसी, एलईडी फ्रिज, माइक्रोवेव, वॉशिंग मशीन और भी बहुत कुछ उपलब्ध है। सारे आइटम पर पाइए बजाज फाइनेंस एवं एचडीवी फाइनेंस की सुविधा 0% ब्याज पर। तो आसान किस्तों के साथ अपने त्योहार पर कीजिए खरीदारी संदेश इन्फोकॉम पर आकर। संदेश मोबाइल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स, मऊ दरवाजा, चित्रा टॉकीज के पास, छतरपुर। संदेश इन्फोकॉम, रिश्ता विश्वास का। सहयोगी प्रतिष्ठान मारुति कोरियर सर्विस।